क्या चल रहा है? I know jump scare is coming. I know man. So well, hello guys, कैसे आप सभी लोग? आज की इस वीडियो में मैं खेल रही हूँ टेलीफोरम, एक हॉरर गेम, काफी ज्यादा हॉरर गेम. एंड हॉरर गेम चूंकि मैंने स्टीम पे जब डाउनलोड की तो वो हॉरर गेम लग रही थी, और बहुत ही ज्यादा हॉरर गेम लग रही थी क्योंकि लोग उस गेम के बारे में पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हॉरर थी. और मुझे तो वैसे जंप स्केयर से कभी कभार हार्ट अटैक भी आ ही जा, मैंने भाई देखा है गूगल पे, हार्ट मतलब कुछ ऐसे खतरनाक जंप स्केयर होते हैं जिससे आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं और आप मर सकते हो, देखा है मैंने, पढ़ा भी है. तो मुझे उसी बात का डर है कि मैं मरूँ ना. टेलीफोरम गेम का नाम. तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं. एंड इफ यू डोंट नो, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, नहीं हुई क्योंकि वो वीडियो किसी और गेम पे थी, वो भी एक हॉरर गेम थी. आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद हॉरर गेम भाई, हॉरर. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके जुलियाना, ओके यही है सही बिल्डिंग, दिस इज द राइट बिल्डिंग. हे क्या तुम्हारा कैमरा चल रहा है? आई थॉट आई हैड इट ऑन. ऑन नाउ? ये शायद, या इज इट बेस्ट टू हैव एस मच मटेरियल एज पॉसिबल? हाँ ये सही है, हमारे पास जितना मटेरियल हो उतना ही ज्यादा अच्छा है, तुम इसे बाद में एडिट कर सकते हो. ओके तो शायद हम आए, हमें 6th floor चाहिए, क्या तुम बटन ले सकते, बटन दबा सकते हो? बटन 6th floor, हाँ ठीक है. तो भाई ये क्या है, ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो. तो हम बेसिकली कहीं जा रहे हैं. डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग टू बॉदर अ विडो? आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड. डिड यू गेट ऑथराइज्ड फॉर दिस? तो हम लोग शायद एक विडो उसके पास जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही. आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, ये लिखती हूँ. क्या हुआ? ये एक बिजार है, तुम्हें दिखता नहीं क्या? या फिर तुम्हें दिखता है? कैमरामैन भाई, कैमरामैन नेवर डाइज. उन्होंने मुझे बताया कि ये कैसे हुआ, जो कि वो बताते हैं तुम्हें बताया. तुम खुशकिस्मत हो. मैं ख्वाहिश करती हूँ कि मैंने वो देखा ना होता. तुम्हें सुना ना, उसने हमें कैल्सो, उसे कैल्सो को एक VHS टेप दी. भाई VHS, दी VT ऑपरेटर क्या होता है? हाँ कैल्सो जो था उसे ब्रॉडकास्ट करना था टेप, लेकिन वो नहीं कर पाया कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से. देन बैम वो हो गया. क्या हो गया? ओके हम लोग आ चुके हैं, अब चलो. ओह भाई मुझे चलाने को नहीं मिलेगी क्या? ओके हम अपार्टमेंट 608 तक जा रहे हैं, याद करने के लिए आसान है. गो टू द लाइट साइड्स, हेड टूवर्ड्स द ट्रैश बैग्स. ओके तो ये मतलब चॉइसेस वाली गेम है, चॉइसेस नहीं है मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो. तो आप मतलब मुझे WSD नहीं चाहिए, मुझे ये है, मुझे नहीं लगता ये रास्ता है. आई थिंक वी कैन गेट अ नाइस टैग बाय द, चलो फिर वापस चलते हैं. आई थिंक नाइस टैग बाय द वीडियो. हाँ चलो फिर वापस चलते हैं, क्यों जाना है एक वीडियो के पास, चलो भाई वापस चलो. अच्छा तो ये 608 है ना? हाँ यही अपार्टमेंट, हम यहाँ आ गए. चलो अब रेडी हो जाओ. क्या हमें रेडी होना चाहिए? ओके तुम मुझे फिल्म कर सकते हो डोर से और सब कुछ. तो मुझे डोर नॉक करना चाहिए या फिर बेल बजाना चाहिए? क्या वीडियो में क्या बेटर लगे? ये हुलियाना है कैमरामैन. ओ ओ ओ ओ अच्छा हुलियाना जो है वो जा रही है एंड कैमरामैन उसके साथ है, तो वो मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे.
हमें बेल बजानी चाहिए या फिर नॉक करना चाहिए? भाई मैंने देखा है वो बेल होती है वहां पे, बेल नहीं बजाते, नॉक करते। आई वंडर इफ शी इज, मैं सोचता हूँ कि वो एक क्या स्ट्रेंजर से वो एक बात करेगी भी क्या? एक स्ट्रेंजर से वो बात करेगी क्या इस वक्त? आई होप जो कैमरा कैमरा है वो इंटरव्यू के दौरान ना चले। हाँ क्या पता नहीं, तो ये वाला अगर वो नहीं करना चाहती उसको अभी करनी चाहिए बात। तो चल भाई दोबारा से ट्राई करते हैं, दोबारा से नॉक करते हैं। या लेट्स गो, वो घर पे है अभी, कह दो कि वो वॉल्टर के लिए काम किया काफी देर तक। क्या हो कि वो क्या हमें देखना ही नहीं चाहती? इस इवन होम होम सबके सबके मन में पहला ख्याल यही आता है जब आप नॉक करते हो उनको कोई आंसर नहीं करता। तो फेरेरा कॉल्ड हर राइट आफ्टर इट हैपेंड। ओके फेरेरा ने उसे बुला दिया जैसे ही वो हुआ। भाई क्या हुआ, इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? मुझे डाउट है कि उसने अपना घर कल छोड़ दिया। दोबारा जाते हैं। ऑलराइट तीसरी बार चार खोल दे। खोल दिया। एड्रियाना तुम्हें क्या चाहिए बुढ़ी अम्मा? ये तो हाय मिसेस मार्टिन्स, हम चैनल 8 से हैं और यहाँ पे हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो उसे कहे कि आपको सच में उसके लिए वीडियो कैमरा चाहिए, मतलब हम एक स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं वॉल्टर के बारे में। वॉल्टर क्या है? आ होमेज काइंड ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव तुम्हें दिखा। ओके, तो तुमसे बात करना चाहता था इस बारे में कि क्या हुआ। सही ठीक है, आ जाओ, शायद हमें बात करनी चाहिए तो शायद थोड़ा अच्छा होगा। क्विक थिंकर। हाँ होमेज, आई कांट बिलीव यू बॉट दैट। होमेज व्हाई नॉट, हम इसको बाद में एडिट कर देंगे। भाई एडिट उलियाना, तुझे एडिटिंग से क्या ऑब्सेशन है भाई? तो थोड़ा नेचुरल बन। मैंने अपना माइक सेट कर रही हूँ थोड़ा। अभी हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। कम ऑन, इससे पहले अपना माइंड चेंज कर दे। गिर मत गिर मत गिर मत गिर मत, यार मेरा थोड़ा स्टैंड खराब हो गया। मैं बनाती हूँ उसे बाद में, वीडियो के बाद में, अभी नहीं। ओबे 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 ओबे, थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस मिसेस मार्टीज। भाई वो भूत है, उसकी शक्ल देखना वहां पे भी नहीं दिख रही। क्या कर रही है भाई? सिल्वा फिल्म के लिए हमारी बात कन्वर्सेशन। ओके क्या वो अभी, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए क्या? एड्रियाना क्या तुम कुछ पीना नहीं चाहोगे? चाय कॉफी? उलियाना ओ मैं कभी भी एक कॉफी के कप को नहीं ठुकराती। हम चाय के कप को नहीं ठुकराते, कॉफी के कप को नहीं ठुकराते। ठीक है मैं जाती हूँ कुछ बनाती हूँ। भाई उलियाना तू निकल यहाँ से। उलियाना यार पहली बार ऐसी गेम खेल रही है जिसमें मतलब शी पुल अ फास्ट वन ऑन यू। हाँ छोड़ दो उसे, तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पे देखते हैं आसपास, रिकॉर्ड करते हैं। भाई किसी के घर में ऐसे करना बहुत मतलब बिना पूछे किसी के ऐसे घूमना घर में ना अच्छा नहीं लगता। तो कह रही है कि अपने कैमरा पे तुम ध्यान रखना और सब कुछ जो नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना, हम लोग मटेरियल से घिरे हुए हैं। उलियाना भी लाइक आज तो भाई सब कुछ रिकॉर्ड कर दूंगी, ये रिकॉर्ड करो, ये सर्टिफिकेट देखो, जर्नलिज्म डिग्री फ्रॉम UFRGS स्पेशलाइजेशन इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में स्पेशलाइजेशन है। वॉल्टर वॉज वेल एजुकेटेड। अरे वॉल्टर मिसेस मार्टिन्स का वो है पति शायद। वॉल्टर जो था वो काफी पढ़ा लिखा था, मुझे लगता है मिसेस मार्टिन्स भी थी शायद। क्या क्या वेस्ट है भाई। ओके 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 ओके, तो सीखा कि ये काफी ज्यादा शर्म की बात होगी अगर हम सिर्फ वॉल को ही शूट करें, हम कुछ और भी शूट कर सकें। सो लुक अराउंड होल रूम हियर। हुलियाना तो आज बचने नहीं वाली, और ये कैमरामैन भी बच जाएगा आई थिंक। अच्छा यूज AD।
ओके अभी अभी हम कर सकते हैं। ओ भाई आई रिमेम्बर वॉल्टर बॉट दिस रेनकोट टू कवर अ स्टोरी सम लाइक ओके ओके बस ठीक है ओके He got cheated out of some 500 cruisers for an overseas coat. वो उसमें काफी ज्यादा भत्ता दिखता है लेकिन उसने उसके लिए काफी ज्यादा पे किया तो उसको वो कोट वो पहनेगा ही सारी बात है। आप कोई चीज इतनी महंगे में खरीदो और फिर आप उसको पहनो ना शो फ्रेम करने के लिए रखा है क्या वो उसे फ्रेम करा दो भाई इससे अच्छा गरीब शी लाइक गरीब भाई अच्छा हम पूरा ऐसे कर सकते हैं ये पेंटिंग एक लेक की आई थिंक सो मिसेस मार्टिन्स ने पेंट किया ये अच्छा मिसेस मार्टिन्स पेंट भी करती है लुक वहाँ पे एक डेली ट्रॉफी है ओह हाँ वॉल्टर को इसके लिए वॉल्टर ने इसके बारे में एक आर्टिकल भी लिखा था 1970s में भाई 70s में भाई अभी तो मर जाना चाहिए था उसे जो स्टेशन आना था उसने सोचा कि वो इसको एक स्टैंडर्ड बना देगा और लेकिन ऐसा हुआ नहीं लोकल स्टेशन में काफी लोकल स्टेशन में जीरो चांसेस है कि उन्हें बड़े वाला मिले बड़े वाला ट्रॉफी आई थिंक उनको एक लॉबी भी मिली थी और ये करने के लिए नहीं मैं सुन सकती हूँ कि पानी को फिल्टर में डाला जा रहा है वो जल्दी आ जाएगी चेकआउट ऑल यू कैन नाउ ठीक है तो हमें जल्दी से चेकआउट करना भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी हाँ हाँ बात ही कर रहे हो ना वो दादा कर रहा है ये दादा अरे अरे वो क्या है डॉगी एक सेकंड लेट मी सी ओके ये डॉगी इसको कर बात कर गुड वन अभी हमें गन पाउडर नाइट शॉट मिल गया वॉल्टर ने इस डॉग को पिक्चर में भी उठाया था अपने वॉलेट में हाँ उसके पास वो पिक्चर उसके वॉलेट में होती है उसने ये सबको दिखाया भी था कि जैसे कि वो उसकी बेटी की फोटो ओ तो ये बॉस दिस प्लांट इज बेगिंग फॉर वाटर हाँ शायद इसको काफ़ी देर से पानी नहीं दिया गया हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे वो हुआ कॉफी इज ऑलमोस्ट डन आदि अच्छा मैम एड्रियाना की वॉइस में बोलो बुढ़िया मैं ना वो मतलब आई मीन ज्यादा उम्र की बुजुर्ग है तो ठीक है कॉफी इज ऑलमोस्ट डन बच्चों तुम्हारी कॉफी अनकरी बन चुकी है ओ भाई क्या तुम एक लेना चाहोगी नहीं मैं ठीक हूँ अगर मेरे से कोई भी हमेशा कॉफी का पूछता ना मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं चाहिए तो नो आई एम फाइन भाई मैं जैसे सच में हूँ मैं वैसे ही बन चली हूँ हाँ शर्माओ मत अगर तुम्हें चाहिए होगी तो तुम मुझे बचा सकती हो तो आपको लगता है ये हो गया खत्म सब मैं सोचती हूँ अब इसको खत्म करना ही होगा ग्रेट तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं चलो अब इंटरव्यू शूट करते हैं उस चेयर पे सिल्वा मैं हुलियाना की भी आवाज करने की कोशिश कर रही हूँ रेडी नहीं मगर फर्क नहीं पड़ता मुझे बता रही यही भूत है भाई ओके ओके शुरू करते हैं 3, 2, 1 एक्शन हम यहाँ पे आ चुके हैं मिसेस एड्रियाना तो खातिर नाजरीन हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं मिसेस एड्रियाना मार्टिन्स के यहाँ वॉल्टर की वाइफ वॉल्टर मार्टिन्स की वाइफ हमारी प्यारी कोलीग जो कि हमें काफ़ी ही बुरे तरीके से छोड़ के चले गई थी उन्होंने ये इंटरव्यू देने के लिए काफ़ी मुश्किल से एग्री किया है और उनका जो हाउस है वो खुद ही एक स्टोरी बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी जी गन पाउडर डिसिक्ली पेंट सन इलेक्ट्रिक ये गन पाउडर तो आपके साथ ये मतलब इन इन मुश्किल हालात में क्या क्या गुजरा गन पाउडर ने मुझे यहाँ पे किसी भी चीज से ज्यादा हिम्मत दी है जो डॉगी है वहां पे मैंने तो देखा ही नहीं
डॉगी भी है, उसका नाम गन पाउडर है, मुझे मुझे तो पता ही था। हाँ वो काफी ही ज्यादा उदास रहता है, वो कुछ मिस करता है, वो वॉल्टर को मिस करता है, और अब तुम्हें लोग मिस करेंगे आदरियाना उलियाना। एटलीस्ट उसका ध्यान रखना, मेरा दिमाग, उसके ध्यान रखने से मेरा दिमाग कुछ उस किसी और कामों में लगता है। सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज डिपेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक पेंटिंग, जो पेंटिंग लिविंग रूम में है वो आपकी है? हाँ हाँ वो मेरी है, मैं काफी सालों के लिए पेंटिंग कर रही हूँ, मुझे मेरे सपने पेंट करना अच्छा लगता है, और मैं वॉल्टर की भी पोर्ट्रेट बना रही थी, मैं उसको देख भी नहीं सकती इस वक्त। वॉल्टर का रेनकोट सर्टिफिकेट एंड डिग्रीज इस वन, ये सर्टिफिकेट। आप लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? आप नहीं है, तुम कह सकती हो, हमने थोड़ा पढ़ा है हिस्ट्री, थिएटर पढ़ा है अगली ने, अरे सेम रिएक्शन, थिएटर उलियाना थिएटर। मैंने वॉल्टर को एक एलोक्वेंस वर्कशॉप में मिली थी, मैं उससे मैंने उसे हेल्प भी की काफी। क्या तुम ये यकीन कर सकती हो कि वो स्पीच एपिडेमेंट था, बैड डिक्शन, कोई भी ये अब नोटिस नहीं करता, उसकी स्पीचेस, उसकी आर्टिकुलेटेड, उसकी बेहतरीन उम्दा स्पीचेस वो एक तोहफा थी हमारे लिए। काफी सारी वॉल्टर की चीजें यहाँ पे हैं आसपास। हाँ मैं अपार्टमेंट को बेचने की सोच रही हूँ, क्योंकि इस सब की वजह से ये चीजें इसे बहुत मुश्किल बना देती हैं। मैं सोच रही हूँ कि इन सब से छुटकारा पा लूँ, ये जहन्नुम है मेरे लिए। यो मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता मैं और इंटरव्यू दे पाऊंगी। हाँ 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 मिस मास्टर्स, हमने काफ़ी मटेरियल पहले कलेक्ट कर लिया है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, वो हाँ अच्छा भैया अड्रिया ने बोला, वो काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंट था, सबसे अलग था, सबसे नर्वस था, मैं उसे कभी भी नहीं सोच सकती थी कि उसके साथ ये होगा, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ ये होगा। मिसेस मार्टिन्स मैं अभी भी इमेजिन नहीं कर सकती वॉल्टर के पास एक गन, गन कौन सी गन, वॉल्टर के पास कोई गन नहीं थी, वो गन वो जो उसके ब्रॉडकास्ट में उसने दिखाई थी, उसने गन यूज नहीं की थी। मुझे पता है ये हॉरिबल था, डरावना था, लेकिन मैंने देखा कि उसने ट्रिगर दबाया था, और वही फरेरा ने उसे बोला कि तुम स्टेशन में वापस जाओ, राइट? मुझे क्या पता, अच्छा मैं अपने आप से बना सकती हूँ, आई वाज ट्रोलिंग यू, क्या वो कैसे हो सकता है? ओ मेरे खुदा, मुझे पता था, जब से उसे वो टेप मिली, टेप उसे ब्रॉडकास्ट किया था, सेल्सो एंड गैल्सो, गैल्सो या सेल्सो पता नहीं, गैल्सो ने उस टेप को एग्जामिन किया था स्टूडियो में, मुझे लगता है जो फिल्म थी वो जल चुकी थी, कुछ वैसा ही हुआ। हाँ वो टेप नहीं थी, ओरिजिनल वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो एक कॉपी थी। सच में आपको, आपके पास अभी भी ओरिजिनल वाली है? हाँ यहाँ, मुझे ये बता कि उसने इसमें क्या देखा, मगर
मुझे ये भी नहीं पता कि उसे ये कहाँ से मिली। वॉल्टर ने मुझे कसम दिलाई कि मैं उसे कभी भी ना देखूं। उसने ही वो देखी जब वो घर पे नहीं था, और उस छोटे वक्त में सुबह के वक्त। तुम उसे देखना चाहती हो? तुम नहीं देखना चाहती अपने शो के लिए? ओ, 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 ये हमें वो दिखा रही है ताकि हम भाई करें। मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। तुम अपना दिमाग बदलने की सोचना। भाई 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 भाई, ये तो घपला है भाई, घपला एड्रियाना घपला है भाई। एक सेकंड यार, मैं ये मेरा टूट गया भाई, हाथ में आ गया भाई, टूट गया। मुझे लगता है मैं बाहर जाऊंगी और फूकूंगी। मुझे ये सुनना भी नहीं है भाई। फूकती है यार, अगली फूकती है भाई। भाई कमाल है भाई। ये यहीं पे खत्म होता है, हमें काफी अच्छी स्टोरी मिल गई। ठीक है, देखो तुमने ऐसा लगता है कि तुमने घोस देखा है। तुम रुकना चाहते हो ना? Yeah, I just gotta see what the hell's going on. Are you crazy? I'm out. हाँ, भाई मैं जा रहा हूँ भाई। Whoa, 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 वहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें ये opportunity miss नहीं करने दूँगी। देखो, तुम्हें ये देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे film करना जब मैं उसे देख रही हूँ। हुलाना देखने वाली है। We'll have more takes that way. हमें और takes मिल जाएंगे, और हम लोग टेप भी इंसर्ट कर सकते हैं एडिटिंग के दौरान। ओके भाई, हुलियाना मत कर, मत देख भाई, उसने भी सुसाइड कर लिया था, दैट्स इट भाई। देख रही है हुलियाना? ठीक है, तो यहाँ पे अपना माहौल सेट करते हैं भाई। कुछ मूवी नहीं देख रही तू भाई, ठीक है, शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लेना फिल्म पे, ठीक है? हम ये सब फिक्स कर सकते हैं एडिटिंग के वक्त। चलो, अब मैंने प्रेस प्ले दबा दिया है, ये शुरू हो रहा है। क्या दिख रहा है भाई? तू अपना मोटा सर तो परे कर भाई, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कौन सी जगह है भाई, कौन सी जगह? मुझे ये बिल्डिंग पहचान में नहीं आ रही भाई, मुझे कुछ दिख रहा है। अरे ये सिंबल्स, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिल्कुल क्या वो तुम्हारे लिए कोई माना भी रखते हैं? Looking at them makes my head hurt, gives me deja vu. I feel like I can almost understand them. Gives me deja vu. Really? मुझे भी। But लेकिन मैंने मुझे लगता है कि मैंने कहीं पहले भी देखा है। हाँ, deja vu तो हो रहा है ना उसे तो। Oh, ये बदल गया। ठीक है। तो वो बिल्डिंग के अंदर गया था। ये कौन सी जगह है? प्रिजन की जैसा लगता है। शॉपिंग मॉल लुक्स लाइक अ म्यूजियम शायद। हाँ, लेकिन एग्जीबिशन की तरफ देखो। ओके, किसने ऐसी चीज बनाने के लिए इनको इजाजत दी होगी, ऑथराइज किया होगा? वो तो बस जा रहा है, चल रहा है हर चीज के ऊपर। ये बिल्डिंग कैसी है? मतलब ये काफी लंबी है भाई, देखो कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, कुछ तो घपला है भाई। अरे भाई, चेंज हो गया। वो बंदा दिखता है। ओ भाई, कौन सा बंदा भाई, क्या हो गया? गई हुलियाना गई। कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ अजीब हो गई, सुनाई दे रहा सुनाई दे रहा है। हेलो, व्हाट हैपेंड हुलियाना? क्या तुम्हें समझ आया? मैं वॉल्यूम बढ़ाती हूँ। अरे भाई, वॉल्यूम मत बढ़ा, छी यार। नहीं समझ आ रहा भाई हुलियाना, नहीं समझ आ रहा। क्या करें हुलियाना? चार्ज टेक माय हैंड एंड टेक अवे वॉक। क्या सुनाई
रहा है, ये ही पूछ रहा है काका। ये वाला चेयर, उस चेयर तुमने सच में सुना? मुझे तो एक चीज भी सुनाई नहीं दे, मुझे जो सुनाई दे रहा है मैं बोल दूंगी। अरे मत कर बोलियो, मत पढ़ा भाई, मुझे नहीं सुनना है। सास का, बास का, बास का, दास का, दास का नहीं सुनना मुझे। वो मुझसे पूछ रही क्या सुनाई दे रहा भाई, भूत बोल रहा है, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है? ए तुम ठीक हो? हाँ ये बंद कर दो भाई, बंद कर दो भाई, बंद कर दो भाई, बंद कर दो। वो आड्रियाना ने हमें फंसा दिया भाई, बंद कर दो भाई। अजीब वो क्या हास का बास का बोल रहा है, मैं बोलूं भाई क्या है भाई? खत्म, लेट्स गो भाई, ये कमर्शियल ब्रेक क्या भाई? अरे अरे भाई कमर्शियल ब्रेक आई है कोई भाई, लगाओ भाई। क्या हो गया, गेम खत्म आई गेस? नहीं नहीं ओके, हम लोग सही बिल्डिंग में आ गए हैं। क्या कैमरा ऑन है? मैं लेंस कमर, हाँ ऑन नाउ, हाँ ओके जल्दी करो। अच्छा दोबारा से शुरू होगी, मुझे लगा गेम खत्म होगी, लेकिन नहीं। आई गेस आई एम जस्ट नर्वस, यू लुक डिफरेंट टुडे। मुझे बस डेजा वो आ रहा है भाई, ये हमने पहले भी तो किया, आड्रियाना के घर के क्या हुआ भाई? हेलो, तो 608 फ्लोर पे जाना है, तो 608 फ्लोर पे हम अभी गए तो थे, क्या हो गया भाई? आई थिंक सो, मुझे भी नहीं समझ आया भाई क्या हुआ, आई डोंट नो। हम तो दोबारा से 608 अपार्टमेंट जाए, ठीक है 608 पे चलते हैं। हेड टुवर्ड्स द विंडो, हेड डायरेक्ट, हाँ तो विंडो पे क्यों जाना है, डायरेक्टली 608 पे चलते हैं। हम आज दोबारा क्यों आ गए इंटरव्यू लेने इस बुढ़िया का? ओके वो रहा अपार्टमेंट, ठीक है फाइनली। तो मैं बात करूंगी, याना के हालात ठीक नहीं है? नहीं मेरे, आड्रियाना गुड इवनिंग, हम चैनल 8 से हैं, हम यहाँ पे आपसे बात करने आए हैं उसके बारे में कि आपके साथ क्या हुआ भाई। ये मतलब वो जो पहले वो पता नहीं क्या था, मगर ये भी सेम रिकॉर्डिंग है भाई। आई डोंट नो भाई क्या अजीब, मतलब ये अलग हो रहा है, मतलब ये पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं मगर इनके साथ पहले ऐसा हो चुका है भाई। मैं आप वॉल्टर के बारे में बात करना चाहती हैं, सही कहा ना? जो अभी इवेंट्स हुए हैं सब कुछ आपके गले में अटक चुका है क्या? नहीं आड्रियाना, आ जाओ, ये काफी अच्छा होगा अगर मैं किसी से बात करूं। Too strong. There's something off here. Are you asking about the dead? There's something off here. यहाँ पे है। इसलिए हम लोग पता लगाने हैं। आ जाओ, अंदर चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा guys. दोबारा से हम शुरू करने वाले हैं। भाई हाँ मतलब कुछ तो अजीब है। क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? चाय? कॉफी? नहीं, शुक्रिया। Well, मैं कुछ बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। भाई मैं भाई मैं क्या करूँ, चलो ठीक है अब बस उसका वेट करते हैं भाई। पहले तो ये बोल रही थी सब कुछ यहाँ पे करते हैं। मैं कैमरामैन, मैं यहाँ पे आसपास देखता हूँ। हाँ कुछ भी हो भाई, इसको अभी उलियाना को फर्क नहीं पड़ता, अभी उलियाना को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। ओके है गन पाउडर। सो गाइस अभी ना क्या हुआ है कि जो नहीं मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड मैंने रियलाइज किया कि मैं रिकॉर्डिंग का बटन ही दबाया, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं एंड ये पहले कुछ और मतलब चल रहा था पार्ट, अभी कुछ और पार्ट चल रहा है। ये लोग हुरियाना और वो दोबारा आए कैमरा में, लेकिन उनको पता नहीं कि वो यहाँ पे पहले आ चुके हैं। तो ठीक है, यू हर्ड मी, तुमने मुझे सुना,
तुम जाओ जंप करो और उसे लेके आओ, ठीक है? इसे नीचे लाओ, ये मेरी नसों पे चढ़ रहा है। क्या है? ठीक है चलो ला देते, देखते क्या है। ये बात, ये हुई ना बात, तुम मेरी सारी बातें मान लो, है ना? कितना ही अजीब ऑब्जेक्ट है, इसके साथ अभी मैं क्या करूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे मेरे से दूर रखो। मैं बता रही हूँ ये हुरियाना के अंदर ना वो वीडियो टेप देखने के बाद भूत चढ़ गया है। हुरियाना तू भाई कुछ गुल खिला रही है लिटरली। हुरियाना जस्ट बीइंग सो भाई, क्या हुरियाना ये इन सब के पीछे है। टीवी टेलीफोरम, ओ भाई ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ गेम का शुरू हो गया, ये क्या है? वेट, इस टीवी के बारे में कुछ तो ऐसा है जो मुझे डरा रहा है। क्या डरा रहा है तेरे को? ये है रही। चलो अब अपने अब मुद्दे की बात करते हैं। वॉल्टर ने एक स्टूडियो से टेप ली जो कि ओरिजिनल ली थी। क्या वो थी ओरिजिनल वाली? यहाँ है तुम्हारे साथ। तुम्हें कैसे पता? हमने इसे एग्जामिन किया था, ये उसके साथ थी, एक उसके साथ थी। मुझे ओरिजिनल वाली देखनी है। चलो ठीक है इसे यहाँ पे लगा लो। तो ये बताए ये टेप कहाँ से मिली? क्या तुम इस वजह से यहाँ पे आई हो? शायद अगर मुझे पता होता तो मैं ये दरवाजा खोलती ही ना। ये लो इसे लो, मुझे वो चीज दोबारा नहीं देखनी और मैं बाहर जाके सुट्टा फूकूंगी। मैं पहले भी इसने यही कहा था। मुझे बताना जब तुम्हारा हो जाए। पिछली बार भी हमने टेप देखी थी। Do you want to shoot a video of the tape? Hey, she's a widow. What's gotten into you? Yali. नहीं, हम कुछ भी शूट नहीं कर रहे। हमारे पास इतना वक्त नहीं है और वो उसे अनकंफर्टेबल बनाता है। मुझे टेप चेक करने दो और शायद हम लोग एडिटिंग करने वाले इसमें कुछ डाल भी सके। जब तक तुम जाओ और उससे बात करो, उस वीडियो औरत का इंटरव्यू लो। तुम हमेशा से एक इंटरव्यू लेना चाहते थे ना, है ना? हम उससे कुछ वक्त बना लेंगे। देखो अगर वो कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे रही है कि ये टेप कहाँ से आई। भाई इसको तो यही जानना है कि टेप कहाँ से आई। क्या है भाई, जहां से भी आई हो? नो वे। अब ओ वो रही वो टेप रिट्स। भाई चोइस से फर्क पड़ता है क्या? आई डोंट नो। हाँ ये किस चीज की बदबू है? ये सिगरेट की तो नहीं है? नहीं फोकस, मुझे एक अच्छी जॉब करनी है। आई माइट गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज। आई कैन हेल्प मिसेस मार्टिन्स फील अ लिटिल बेटर। आई प्रोबेबली चेंज नथिंग बट आई स्टिल वांट टू डू इट। ये वाला ठीक है, मैं ये यकीन रखता हूँ। यही है जिस पे मुझे यकीन रखना है, एटलीस्ट एट मिसेस मार्टिन्स। क्या हुआ? क्या तुम्हारा हो गया? अभी नहीं, हुलियाना टेप देख रही है। जब तक उसने मुझे कहा है कि मैं आपसे कुछ सवालात करूं तुम्हारे प्रोग्राम के लिए। उस लड़की को मेरे से क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे ना? हाँ मगर वो टेप के साथ बिजी है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। एक्चुअली आई डोंट वरी अबाउट इट मैम। चला वॉल्टर जो था वो भी काफी सारी जॉब्स में काम करता था एंकर मैन बनने से पहले, रेडियो साउंड ऑपरेटर और बहुत कुछ। खैर चलो ये इंटरव्यू करते हैं तुम्हारा। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए इन सवालात के बारे में जो तुम करने वाले हो मुझसे। मेरा सर फट जाएगा। क्या
How are you doing? How was Walter on that day? What's in the tape? How are you doing? What's in the tape? मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी उसे नहीं देखा। वॉल्टर ने मुझसे वादा किया था कि मैं उसे दोबारा कभी भी नहीं देखूंगी। हाँ, पहले वाले सीन में भी ऐसा ही था, मतलब पहले वाले पार्ट में। मैं थोड़ी ताज्जुब में थी, लेकिन अब नहीं। नहीं, हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हमें इसकी तहकीकात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये उसे उसके घर से मिली, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उसे किसने डिलीवर किया। वॉल्टर ने कुछ मूवीज भी कलेक्ट की थी, ये काफी ही ज्यादा मुश्किल है, मूवीज कलेक्ट करना, फिल्म्स कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग्स, और मुझे लगता है ये एक और थी। बस सोच रही हूँ उस लड़की के बारे में, मेरे लिविंग रूम में अकेली वो चीज देख रही है, ये मुझे खाए जा रहा है अंदर से। कह दो कि क्यों वो इंटरेस्टेड थी उस टेप में। हाँ, क्यों नहीं, जो कॉपी थी वो ब्लैंक हो गई थी आखिर में, है ना, और या फिर वो जल गई थी। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। ये एक मिस्ट्री है आखिरकार। मुझे लगता है कि ये तुम्हें काफी ज्यादा क्यूरियस कर रहा है, मतलब हमें भी, कैमरामैन को ही कर रहा है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वो कॉलीग कुछ ज्यादा ही अजीब एक्ट कर रही है? मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं देखा है पहले। उसमें वो कॉलीग होती है, एड्रियाना जो होती है वो होलियाना की कॉलीग होती है मेरे ख्याल में। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है, जैसे कि शायद मैंने उसे स्टूडियो पे देखा हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं तो काफी देर से उसके साथ काम कर रहा हूँ। शायद इसी वजह से तुम उसके जैसा नहीं होना चाहते, अभी तो नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ मैं, हाँ तुम यहाँ पे कहाँ हो वैसे भी? तो तुमने अपने आप को चूज किया है करने के लिए, है ना? नहीं, मुझे तुम पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, ये तुम्हारी गलती नहीं है। सच में तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे तो पता है, मुझे एक आइडिया मिला लैडर को मूव करने का, तुम भी देख सकते हो। क्या नहीं देख सकते? कुछ भी इसमें से, उस टेप में से अच्छा नहीं आया, उस पूरी चीज में से। यार मुझे ना इतनी अच्छे से, मतलब स्टोरी जो भी बोले बहुत अजीब है। नथिंग बट मिस्ट्री, द ऑब्जेक्ट वेयर्स हैवीली इन माय पॉकेट, दैट्स प्रिसाइसली व्हाई वी नीड टू इन्वेस्टिगेट। क्या हमें सच में करनी चाहिए? क्या ये सच में सच की ही तलाश है, या फिर एक मोटिवेटिंग स्टोरी जिस पे तुम काम कर रहे हो, या फिर कुछ और? I want to know. ठीक है, तुम मेरे से सच तो बोल रहे हो। देखो, मुझे मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो जाओ अगर उसका हो गया हो, और यहाँ से जाओ प्लीज, मुझे मेरा लिविंग रूम वापस चाहिए। भाई क्या चल रहा है? एक सेकंड, भाई क्या चल रहा है? चलो चलो अंदर चलो।
अंजो भाई क्या चल रहा है? ओह नो, पता नहीं क्या हो रहा है। जब स्केयर तो नहीं आया कोई अभी तक। भाई क्या चल रहा है? एक्ट टू था ये। ओके ओके ओके, फिर से ब्रेक आ गई, फिर से शुरू हो जाएगा, पता लगेगा। नो वे, मुझे ये अपार्टमेंट को, मुझे अपार्टमेंट तक पहुंचना होगा। अपार्टमेंट, ये कौन सा अपार्टमेंट है? 608 ही है। हाँ ये वो ही है। मेरे साथ कुछ और ही है। उलियाना, वो सही है, वो लड़की, वो टेप, मैंने क्या देखा उसके अंदर? पता नहीं क्या था। कितनी सारी चीजें हैं जो मैं अभी तक भूल चुका हूँ। कितनी सारी ऐसी ऐसी जाली मेमोरीज है जो मैंने अभी तक रिकॉल की है। ये अपार्टमेंट, वो यहाँ पे रही। ओके, इट्स नॉट द सिक्स्थ फ्लोर एनीवेयर। भाई ये सही होगा कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं कैमरा मैन हूँ, सब कुछ यूज हो सकता है। ओके, सब कुछ रिकॉर्ड करना है, तो सब कुछ रिकॉर्ड करने का मतलब है, ये क्या है, ये आवाज, क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए? यस भाई, ऐसा ही होता है हॉरर गेम्स में। ये कौन सा दरवाजा है? शायद ये वही है जहाँ पे वो है। ये दरवाजा काफी पुराना है, लेकिन वहां पे एक ग्रेट है। I need to see what's in there. भाई क्यों? क्यों ऑप्शन भी क्यों दिया है? No way. Juliana? या फिर वो Adriana? No way. No way. No way. No way. देख लिया? देख लिया? कहाँ? वो कहाँ चली गई? वो कहाँ जा रही है? कुछ भी है? मुझे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं। I have to leave. काफी अजीब बदबू है यहाँ पे। मुझे इस स्मेल पहले भी मैंने सुनी। हाँ, वो जब हम Adriana के पास जाते थे ना इंटरव्यू लेने, तो ये बदबू, ये यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। यही है अपार्टमेंट, ये बदबू अपार्टमेंट के अंदर सारी थी। ओह, मुझे पता है ये क्या है, ये ओजोन की स्मेल है। अंदर जाएंगे हम लोग। ये वही है, वही है, ये वो देख रही थी Juliana। क्या हुआ भाई? अरे दोबारा से मैं इसे शुरू हो गया। अच्छा होगा अगर मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँ, सब कुछ यूज हो सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ भाई? मुझे नहीं पता। भाई शायद मैं मर गई। शायद क्या करूँ? कीप गोइंग, गो बैक, कीप गोइंग, देखते हैं क्या होता है। अभी भी मर जाएंगे तो रीस्टार्ट करें। ये तो गन पाउडर है। यहाँ पे क्या हुआ? अरे अब तक क्या, ये डॉगी यहाँ पे क्यों है? इसका मालिक कहाँ है? हेलो गन पाउडर, तुम्हारा मालिक कहाँ है? ये शायद मैं इमेजिन कर रहा हूँ, या तो ये डॉग सच में अपार्टमेंट को अवॉइड कर रहा है। मुझे आवाज आ रही है। ओ नो, अभी नहीं, अभी नहीं। चलो चलो चलो,
क्या हुआ? आ! गन पाउडर्स किसके पास? यहाँ मैं चीख मारने की कोशिश चला गया। उसके अंदर क्या हुआ? वो हॉल के अंदर क्या? हाँ, ऐसा लगता है वो किसी नोट पे लेटा हुआ था। इंस्पेक्टर नोट, ये एक नोट है, मेरे पास ही था। मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं वो सब देख सकता हूँ, मेरी मेमोरी जो कि एडिटेड हुई है। मैं फॉर्म से घिरा हुआ हूँ। वो चीजें जो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, वो चीजें जो मुझे डराती हैं मुझसे भी ज्यादा, जैसे कि मेरी मेमोरीज की शक्ल, मेरी यादों की शक्ल। अगर कोई भी उन्हें पढ़ता है तो गन पाउडर को अकेला मत छोड़ना। वो लड़की, वो भी ये लेटर्स मुझे वर्टी को दे रहे हैं। रुक जाओ, वो डॉगी वो कहाँ गया? गन पाउडर, मैं अंदर जा रहा हूँ। शायद पिछली बार मैं गई थी अंदर तो वो बंद हो गया था। आई थिंक सो। क्या मैं अंदर जा रहा हूँ? सच में मुझे जाना चाहिए। है, मैंने कुछ नोटिस किया अभी, ये बहुत गंदा है। सही डाउट लॉट, जो कैमरा है वो मुझे उठा रहा है? वो दूसरा क्या? मैं नहीं बता सकती कब शुरू हुआ। शायद बहुत पहले, शायद मुझे मेरी एप्लीकेशन सबमिट करनी चाहिए। गन पाउडर, मैं जा रहा हूँ अंदर। क्या हुआ भाई? अंदर चलेगा? इट्स नॉट द अपार्टमेंट एनीमोर। अरे वही, वो अहुलियाना। एक कैमरा मैन नेवर डाइज हो गया इसमें। हम अपार्टमेंट में आ गए। क्या है? What is happening? भाई क्या चल रहा है? I know jump scare is coming. I know man. I know. I am ready. Yeah. I am ready. दे दो jump scare यार। पूरी गेम में मैं jump scare का इंतजार करती रह गई। Boa noite. Hoje nós teremos uma transmissão especial do nosso programa. Possivelmente. Katam! E com ela trago um comunicado a fazer para todos vocês. Descobri algo nas últimas semanas que tem me assombrado desde então. Palavras não serão bastante para descrever o que descobri. Portanto, eu vou precisar mostrar. E talvez isso venha assombrar vocês, assim como tem me assombrado. Mas a minha profissão, o meu trabalho, foi revelar a verdade durante todos esses anos. E se quisermos nos libertar, preciso que todos saibam disso e tenham mostrado. Por isso, acho que todos estejam bem seus aparelhos. Não cruzem suas pernas, isso é importante. Mas fiquem confortáveis com a coluna reta. E observem com atenção. Eu acho que é... Vai que é a hora, Katam! ये वो टीवी देख रहे थे ना हम लोग, वो वाला। तो दैट्स इट। तो जिसको भी स्टोरी समझ नहीं आई टेंशन मत करो, मुझे भी स्टोरी समझ नहीं आई। बेसिकली क्या हुआ कि वो, मतलब वैसे तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो क्या होता है, एक होता है कैमरामैन, कैमरामैन का नाम ही पता, कैमरामैन नेवर डाइज। हुलियाना मर गई शायद। तो हुलियाना के साथ एक लड़की होती है, उसके साथ आता है इंटरव्यू लेने एक एड्रियाना नाम की औरत का, जो कि विडो होती है, बेवा होती है, उसके पास आता है। और भाई उसका इंटरव्यू लेते हैं, एंड उसके पास अजीब सी टेप होती है, जो टेप अपनी वो जो है हुलियाना कहती है कि मैं वो टेप देखूंगी। मतलब ऐसे कुछ होता है भाई। अब आगे तो फिर तुम लोगों ने स्टोरी देखी है, तो वो क्या नाटकबाजी करती है। पहली वाली सीन में वो नाटकबाजी करती है, टेप मतलब नाटकबाजी नहीं करती। वो कहती है कि मुझे दिखाओ टेप, मुझे क्यूरियोसिटी है, मुझे देखनी है पहले वाले एक्ट में। तो वो फिर टेप देखती है,
टेप देखती है जब, तो भाई उसको पता नहीं क्या क्या दिखता है, कोई म्यूजियम में जा रहा होता है एक बंदा, एंड उसके बाद पता नहीं क्या क्या होता है, अजीब अजीब चीजें, मुझे भूल भी गई क्या है, तो ऐसा होता है ठीक है। एंड देन वो एक्ट वन खत्म, ठीक है, एक्ट टू शुरू होता है। एक्ट टू में क्या होता है कि मतलब उनको डेजा वो आ रहा होता है, ठीक है, कि ये जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। एंड एक्ट टू में वो दोबारा से उसी जगह जाते हैं, उसी अपार्टमेंट जाते हैं, मगर हर चीज़ अलग अलग होती है। मतलब जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा अजीब सा, काफ़ी वियर्ड था। मैं पर्सनली बताऊँगा, मुझे काफ़ी वियर्ड लगा सेकंड वाला पार्ट। उसमें क्या होता है कि जो वो होती है अपनी हुलियाना जो होती है, और कैमरामैन वो जाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे डेजा व्यू आ रहा है, तो दोबारा 608, मैं कहती हूँ भाई गेम खत्म हो गई, लेकिन गेम खत्म नहीं हुई होती। तो फिर हम लोग 608 पे जाते हैं, दोबारा से उसी वीडियो से मिलते हैं, तो कहती है तुम लोग आज इंटरव्यू लेने आए हो, बातें अलग अलग होती हैं, ठीक है। एंड वो कहती है कि ठीक है चलो इंटरव्यू, तो इंटरव्यू लेने के लिए वो मान जाती है इसी। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में जो उसके वो होता है, मुझे लगा था हाट्रियाना है जो, वो काफ़ी ज़्यादा वही भूत है मुझे लगा, क्योंकि वो काफ़ी मतलब अजीबो गरीब थी, तो मुझे लगा वही भूत है, मगर वो भूत नहीं थी। एंड मतलब सच्ची बताऊँ, मैंने तीनों के वॉइस एक्ट किए, मतलब कोशिश की, मेरी कोशिश भाई बरकरार रहे हमेशा, तो मैंने हाट्रियाना हुलियाना सबका मैंने भाई कोशिश की कि मैं करूँ, ठीक है। एंड मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे गले में दर्द हो गया। तो ठीक है, तो क्या होता है सेकंड वाले एक्ट में, वो जो फूल पहले वाले एक्ट में मुरझाया होता है, लेकिन सेकंड वाले एक्ट में वो फूल खिला हुआ होता है। तो सेकंड वाले एक्ट में कहती है हुलियाना कि मुझे नहीं देखनी टेप, क्योंकि शायद पहले वाले एक्ट में उस हुलियाना को कुछ ऐसा अजीब चीज़ दिखी हो उस टेप में, हो सकता है। तो सेकंड वाले एक्ट में वो टेप नहीं देखना चाहती थी। तो एक चीज़ ऊपर लटकी हुई थी दरवाजे के ऊपर, मेन डोर के, आई थिंक सो पहले वाले एक्ट में भी वो चीज़ लटकी हुई थी, मगर हुलियाना शायद नोटिस नहीं की, या फिर क्या मुझे नहीं पता, मैं एडिटिंग में देखूंगी, शायद ही लटकी हो, मैंने नोटिस नहीं की वो पहले वाले एक्ट में, मगर शायद। तो सेकंड वाले एक्ट में ऐसा होता है, तो सेकंड वाले एक्ट में वो चीज़ उतारने को कहते हैं, कहते हैं कुछ अजीब सी चीज़ है, उन्होंने दिखाया नहीं वो क्या चीज़ है, वो काफ़ी मतलब दूर थी, तो इतने अच्छे से क्लियर नहीं थी, तो मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, मुझे भी नहीं पता, कैमरामैन को भी नहीं पता। तो फिर लास्ट में क्या होता है, कैमरामैन तो वो देखती है टेप भाई, तो हम वो कहते हैं कि जब तक मैं टेप देख रहा हूँ तुम जाओ, सेकंड वाले में टेप नहीं दिखाते, तो शायद टेप में जो फर्स्ट वाले एक्ट में आया था वही आया दोबारा, वही म्यूजियम वगैरह आगे पता नहीं कुछ आया था, मुझे भूल गया सच्ची बता रही हूँ। तो उसने पूछा कि तो उसने बोला कि तुम जाके इंटरव्यू ले लो वहाँ पे, वो जो है तो उसने बोला वहाँ पे जाके तुम इंटरव्यू ले लो उस हाट्रियाना का। तो हाट्रियाना से इंटरव्यू लेता तो वो उससे पूछना चाहता, मतलब उसे कहता कि तुम उससे पूछना कि तुम उसे हाट्रियाना को वो टेप कहाँ से मिली। तो वो हाट्रियाना कहती कि उसके घर पे पड़ी थी, या फिर हो सकता है उसे किसी ने डिलीवर की हो, मगर मुझे नहीं पता किसने डिलीवर की, ऐसा होता है। तो अपन ने फिर तो आगे फिर उसकी बातें करता है भाई, वो मतलब कहती कि तुम अपने लिए इंटरव्यू ले रहे हो या उसके लिए, हाट्रियाना के उसके लिए हुलियाना के लिए। फिर वो भी खत्म हो जाता है। फिर जो वो होता है ना कैमरामैन आता है दोबारा से। एंड थर्ड वाले एक्ट में वो उसको याद आ रही होती है यादें, तो कहते हैं कि मैं जैसे ये जाली यादें हैं जो मैं रिकॉल कर रहा हूँ, जो मैं दोबारा हम रिकॉल करते हैं ना मेमोरीज, लाइक मैंने कुछ पेपर में याद किया एंड मैं रिकॉल कर रही हूँ, तो फिर ऐसे ठीक है। तो वो ऐसे रिकॉल कर रहा होता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, दो बार आ चुका हूँ एक्चुअली, और वहाँ पे मतलब वो नाम याद करने की कोशिश कर रहा था, हुलियाना। तो फिर वो मुझे ऑप्शन दिया था क्या नाम है, भाई मुझे मेरी मेमोरी थोड़ी तेज़ है, तो मुझे याद था नाम हुलियाना नाम है। एंड हाट्रियाना फिर वो अपार्टमेंट भी पूछता है कौन सा है, अपार्टमेंट भी रिकॉल करने की कोशिश करता है 608। तो कहते हैं यार ये सारी जाली मेमोरीज मुझे याद आ रही है, मगर उसके साथ सच में ऐसा हुआ होता है एंड दो बार हुआ था, एंड वो डेजा वो नहीं होता, वो सच में उसके साथ हुआ होता है। तो फिर उसके बाद वो मतलब ऐसे जाता है, तो जब वो मैं नॉइस आ रही थी ना, वो मतलब वहाँ से वो कुछ पता नहीं कुछ आ रहा था, स्मेल आ रही थी, स्मेल के जब मैंने पीछा किया तो वो पता नहीं वो दोबारा से शुरू हो गई है, मतलब दोबारा से वहीं से जहाँ पे वो रिकॉर्ड करता है, कहता है कि आप मुझे सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो वो दोबारा से वहीं से लग जाता है। मैंने बोला भाई यार स्टार्टिंग से लग गया, शायद मैंने कुछ गलत चूज़ किया हो। तो फिर मैंने बोला कि अब मैं स्मेल का पीछा नहीं करूँगी, अब मैं इस तरफ जाऊँगी, मतलब वो कुछ मतलब उधर था, तो उसने कहा नो डोंट फॉलो द स्मेल। तो फिर मैंने उसको दबाया, फिर उसके बाद वो आता है गन पाउडर के पास आता है, तो गन पाउडर के नीचे एक नोट पड़ा होता है, तो वो मेरे ख्याल में हाट्रियाना ही लिखा था, और जो गन पाउडर था वो अपार्टमेंट के अंदर नहीं जाना चाह रहा था। फिर जो वो होता है
अपना कैमरामैन वो अपार्टमेंट के अंदर जाता है एंड वहाँ पे जूनी एक्सप्लोर करता है, ठीक है, वहाँ पे वही सब कुछ होता है, मगर फिर वो टीवी देखता है, मतलब टीवी देखता है, टीवी पे मतलब पता नहीं क्या अजीब सा टीवी भी नहीं चल रहा था, फिर वो जहाँ पे एड्रियाना खड़ी होती है ना उसके ऊपर एक टीवी चल रहा था, टीवी चल रहा था ना, तो टीवी को वो जब जूम कर रहा था मुझे लगा कोई जंप स्केयर आएगा, लेकिन जंप स्केयर नहीं आया, तो फिर वो जाता है उसके अंदर एंड भाई उसमें एक मतलब एक बंदा आता है, वो आता है मार्टिन, क्या नाम था, वॉल्टर मार्टिन आता है, वॉल्टर मार्टिन बताता है कि इस ट्रिप में कुछ तो अजीब है कि तुम लोग जो हो वो इसे केयरफुली देखें, तो उसमें वो पता नहीं क्या इतनी तेज चलता है, मैंने बोला भाई पता नहीं क्या है एंड वो कहता है डू नॉट प्रॉब्लम, मैं डर गई भाई, मैंने बोला पता नहीं अजीब सा ये क्या ही है यार भाई, हाँ मतलब लास्ट में मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे मतलब अजीब सा लगा वो देख के, वो जो टेप मतलब टेप थी, तो हाँ तो मतलब फिर उसके बाद गेम खत्म हो, तो यही थी एंड ये समझाने में मैंने 2-3 मिनट वेस्ट कर दिया आपके, मगर यार ये गेम सच में बताऊँ बहुत मिस्टीरियस थी एंड मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस बोला यार ये गेम मैंने डाउनलोड की आज इसे खेलते हैं भाई, एंड आई होप सो मैंने पूरी गेम खेली हो एंड अच्छे से खेली हो, मुझे नहीं पता भाई मैं सच में मैंने वॉइस और वॉइस दे दी, मैं इनको इतनी अपनी पावर लगा दी ना कि अब तो दे देनी चाहिए, तो यार गाइस आई होप सो आपको आज की वीडियो मजा आ गया, अगर मजा आए तो लगे सब्सक्राइब कर दो, मैं बोल देती बोला भी नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा एंड बाय।